हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज का जो वीडियो है हमारा, बेसिकली क्लास नाइन्थ के लिए है, जिन्होंने अभी थोड़ा लेट एडमिशन लिया हुआ क्लास नाइन्थ में। मोशन चैप्टर अभी थोड़ा सा आपके समझ में नहीं आया हुआ, तो पहले मैं जनरली जितने भी ग्राफ्स हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत स्टडी कर रखी है, बट ग्राफ्स उनको क्लियर नहीं है कि सर मोशन चैप्टर के ग्राफ समझ में नहीं आते। तो आज की जो वीडियो बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड ही है, इसमें सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी ग्राफ्स आपके कवर होते हैं क्लास नाइन्थ मोशन चैप्टर के अंदर, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी और कुछ स्पेशल केसेस की ग्राफ हम देखेंगे। तो ये वीडियो जनरली किसके लिए है बेटा? मोशन चैप्टर के जितने भी ग्राफ्स जो बेसिकली अलग अलग कंडीशन में बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ मोशन चैप्टर के ग्राफ्स। तो हम यहाँ पर जो भी आज डिस्कस करने वाले हैं, किससे रिलेटेड? ग्राफ से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। किसकी बात करेंगे बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, पहली बात तो ये बताइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? तो आप बोलेंगे सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? सर हमको ये स्पीड देगा। क्या देगा? स्पीड देगा। अब जरा पहले ग्राफ को देखिए जरा बेटा, जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट ग्राफ। क्या समझ में आ रहा है? इस ग्राफ को देखना है आपको बेटा, सिर्फ अभी ये बाकी ग्राफ नहीं देखने आपको, अभी सिर्फ आपको ये ग्राफ देखना है, ठीक। अब इस ग्राफ को देखिए, ये आपकी टाइम एक्सिस है और ये आपकी डिस्टेंस एक्सिस है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट हमको दो एक्सिस चाहिए होती है, तो आपने ये दो एक्सिस ड्रॉ करी, एक टाइम एक्सिस और एक डिस्टेंस एक्सिस, ठीक। अब यहां पर देखिए आपने एक लाइन ड्रॉ करी है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दिस लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये ऑब्जेक्ट, ये केस जो मैंने स्पेसिफाई किया यहां पर इस ग्राफ में, ये कंडीशन क्या बता रहा है हमको? फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस पे रखा हुआ है? रेस्ट पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो कुछ डिस्टेंस या कोई डिस्टेंस कवर करेगा क्या? इज कवर एनी डिस्टेंस? तो आपका आंसर क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन स्टेशनरी पोजिशन और द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट मीन्स इट डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन। एंड वेन द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन, इट मीन्स इट इज एट रेस्ट, इट नॉट कवर एनी डिस्टेंस। सो वॉट इज डिस्टेंस इन दिस केस? जीरो। वॉट इज स्पीड इन दिस केस? जीरो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो उसका ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? सिंपली यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। इस टाइम एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आप। ये आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा जब ऑब्जेक्ट किस पे होगा बेटा? आपका रेस्ट पे होगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए मैंने यहां पर दो पॉइंट कंसिडर किए, एक ए और एक बी। सो आई हैव कंसिडर टू पॉइंट्स, वन इज ए एंड वन इज बी। जस्ट लुक एट द टाइम इन दीज टू पोजिशन। एट ए टाइम इज 2 सेकेंड, एट बी टाइम इज 4 सेकेंड। बट लुक एट द डिस्टेंस, जस्ट वाई एक्सिस को चेक करिए। ए पर डिस्टेंस सपोज करो कितनी है, ये किस पर है? 30 मीटर पर है। बी पर भी पोजिशन कितनी है इसकी? 30 मीटर पर है। तो इसका मतलब सर ए और बी में इसने अपनी डिस्टेंस को चेंज किया क्या? ए से बी तक जो हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए, तो हमने चेक किया कोई डिस्टेंस इसने कवर करी? नो सर। ए पर भी डिस्टेंस सेम थी, बी पर भी डिस्टेंस सेम थी। इसका मतलब डिस्टेंस सेम होने का मतलब इट डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन। दैट्स वाई यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विद द टाइम एक्सिस। तो अगर आप टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफ सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बिकॉज यहां पर पोजिशन चेंज नहीं हो रही, यहां पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। समझ में आई बात? अगर आपको जब भी एग्जाम में आता है कि एक ग्राफ प्लॉट करिए फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो सिंपली यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। क्या चीज ध्यान रखनी है? यू शुड हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इज इट क्लियर टू यू? ओके, कम टू द नेक्स्ट ग्राफ। सो नेक्स्ट ग्राफ इज यूनिफॉर्म मोशन। What is mean by uniform motion? If an object cover equal distance in equal interval of time, then you can say that the motion is uniform motion. Equal distance travel in equal interval of time, then you can say that the motion is uniform, or you can say that constant motion. In this case, there is no variable change in speed. Continuously object same speed se move kar raha hai. Theek? To is case mein dekhiye kya hoga uniform speed mein? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? स्ट्रेट लाइन, बट इस तरीके से।
ठीक है। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के एग्जैक्टली बीच से पास होती हुई जाती है, तो वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन में। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, देखिए 1 सेकेंड पर कितनी डिस्टेंस कवर करी सर 2 मीटर, 2 सेकेंड पे कितनी डिस्टेंस कवर करी 4 मीटर, 3 सेकेंड पे कितनी डिस्टेंस कवर करी 6 मीटर, एंड 4 मीटर पर 8 मीटर कवर करी 4 सेकेंड पे सॉरी, और 5 सेकेंड पे कितनी डिस्टेंस कवर करी 10। तो ज़रा चेक करिए यहाँ पे ड्यूरेशन 1 से 2 कितना सेकेंड 1 सेकेंड, 2 से 3 कितना सेकेंड 1 सेकेंड, 3 से 4 कितना सेकेंड 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना कवर करता गया सर 2 से 4 कितना कवर किया 2 मीटर, 4 से 6 कितना कवर किया 2 मीटर, 6 से 8 कितना कवर किया 2 मीटर, 8 से 10 कितना कवर किया 2 मीटर। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी यूनिफॉर्म मोशन की, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर, हर 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है 2 मीटर, इस नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर। तो जब ये आप सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यू शुड हैव अ स्ट्रेट लाइन, क्या मिलेगी बेटा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दैट्स व्हाई फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन लाइन इज स्ट्रेट लाइन, ठीक, बट द कंडीशन इज यूनिफॉर्म मोशन इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मैंने जैसा आपको बताया कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है, तो आप बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या फाइंड कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हाउ, इस ग्राफ की हेल्प से अगर मैं बोलूं स्पीड निकालिए इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पीड से बेसिकली ट्रेवल किया, तो सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मेट लिखना है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब कंफ्यूज नहीं होना ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन दिस डेल्टा टी इज कॉल्ड चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब देखिए डेल्टा एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहां पर हम, चेंज कैसे निकालते हैं, तो ऑब्जेक्ट गया ओ से बी, ठीक है, बट हमने यहां पे 2 पॉइंट कंसीडर किए ए से बी, ठीक है, स्टार्ट तो कहां से हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट से, तो रेस्ट पे कोई डिस्टेंस होगी क्या, नो सर, ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वहां पे उसकी डिस्टेंस क्या होगी 0 होगी। तो हमने यहां पे देखा कि ऑब्जेक्ट जो है हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए ए और एक बी, अब ए पे जरा टाइम चेक करिए 2 और बी पे टाइम चेक करिए 5, तो व्हाट इज चेंज इन टाइम सर 5 में से 3 को माइनस कर दीजिए कितना आ गया 2 सेकेंड, दिस इज द चेंज इन टाइम। अब चेंज इन डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे सर, बी पे डिस्टेंस कितनी थी 10 मीटर, ए पे डिस्टेंस कितनी थी 4 मीटर, 10 माइनस 4 कितना आ गया, 10 माइनस 4 कितना आ गया 6 मीटर। फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स की वैल्यू 6 मीटर है, डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 2 सेकेंड है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितनी स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस 2 पॉइंट के बीच में आपको स्पीड फाइंड करनी है तो 2 पॉइंट कंसीडर करिए, और 2 पॉइंट कंसीडर करने के बाद चेक करना है आपको कि ए पे टाइम कितना था बी पे टाइम कितना था, उसका चेंज निकाल लीजिए, तो 5 में से 2 माइनस करके आपने देख लिया कि कितने टाइम में बॉडी ए से बी पे गई, फिर ए पे डिस्टेंस चेक करिए आपने 4 मीटर, बी पे डिस्टेंस चेक करिए आपने 10 मीटर, तो इसका भी क्या निकालना पड़ेगा कितना डिस्टेंस कवर किया इसने इन 3 सेकंड में, इन दिस 2 सेकंड, 2 से 1 2 3 एक्चुअली बड़े डिस्टेंस 2 सेकंड नहीं आएगी, देखो ध्यान रखना 2 से 5 की बात कर रहे हैं हम, तो 2 से 3 1 सेकंड, 3 से 4 1 सेकंड, और 4 से 1, 4 से 5 1 सेकंड, तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी 5 से 2 करेंगे बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, 5 माइनस 2 करना है, देखिए ए पे कितना टाइम है 2 सेकंड, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा, और अगर यहाँ पे 3 आ गए तो 6 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी, जैसे मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, हमने पॉइंट्स पूछे थे ए और बी, तो ए का टाइम 2 सेकंड है और बी पॉइंट का टाइम 5 सेकंड है, इन दोनों के टाइम में कितना चेंज आ गया, 5 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो आपको मालूम पड़ गया 2 से 5 कितने सेकंड चली बॉडी, 3 सेकंड बॉडी चली, 5 में से 2 को माइनस करने का क्या मालूम पड़ेगा आपको कि बॉडी ने कितना टाइम लिया, ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए। फिर ए पे चेक कर लिया आपने कि डिस्टेंस कितनी है, बी पे चेक किया डिस्टेंस कितनी, तो बी पे डिस्टेंस कितनी थी बेटा 10 मीटर, ए पे डिस्टेंस कितनी थी 4 मीटर, तो आपको ये चेंज इन डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल डिस्टेंस में से जिस पॉइंट की आप डिस्टेंस इनिशियली जो है उसको माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 4 क्या कितना आ गया 6, 6/3 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं बोलिए सर, हम ग्राफ की हेल्प से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आ रही बात।
ओके तो ये ग्राफ और ये ग्राफ क्लियर हो गया। बताइए ये ग्राफ किसका है? सर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये ग्राफ किसके लिए है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, इट मींस इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए यहां पे एक मैंने थर्ड पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी बेस्ड है इस टाइप का। देखिए सपोज करिए दो आपको कार की स्पीड दे रखी, ये कार ए है और ये कार बी है। सपोज करते हैं ये आपको दो कार का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ये कार ए है और ये कार बी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है सिर्फ इस ग्राफ को देख करके ये बताना है कि आउट ऑफ दीज टू कार विच वन हैज ग्रेटर स्पीड। सिंपली आपको एक ग्राफ गिवन होगा और क्वेश्चन क्या होगा, विच वन हैज ग्रेटर स्पीड। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे, आपका आंसर क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस कार की स्पीड ज्यादा है? ग्राफ की हेल्प से जस्ट आपको ये ग्राफ दे रखा होगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किस कार की स्पीड ज्यादा है। तो हाउ कैन यू फाइंड इट, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं। जब भी आपको चेक करना हो कि किस ग्राफ की किस कार की स्पीड ज्यादा है, तो करना क्या है आपको, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब एक्स एक्सिस के साथ में, किस एक्सिस के साथ में बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस है जो कि टाइम की है और ये आपकी वाई एक्सिस है, किसकी है, ये डिस्टेंस की गिवन है, ठीक है। अब हमको ये कार ए दे रखी है, एक कार बी का एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और क्वेश्चन बताया मैंने, क्या पूछा है कि किस में इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना आपको, जरा ए का स्लोप चेक करिए, स्लोप मतलब एंगल, स्लोप मतलब एंगल, स्लोप चेक करिए इस एक्स एक्सिस के साथ में। ये आपने स्लोप ड्रॉ किया तो ये यहां तक गया, ठीक। फिर आपने कार बी का स्लोप चेक किया, ये स्लोप ज्यादा किया, तो यहां पे आप देख सकते हैं किसका एंगल ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है। ये एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी कैसी है बेटा, स्टीपली है, स्टीपली मतलब ज्यादा खड़ी हुई है ये, ठीक। तो ये वाला एंगल ज्यादा होगा, ये वाला एंगल ज्यादा होगा। सिंपल सिंपली क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से कौन सा एंगल ज्यादा है, बताइए सर ये वाला एंगल ज्यादा होगा या ये वाला। देखो ये और पीछे तक गया, जब ये और पीछे तक गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, थीटा। इसको आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, क्या बोल सकते हैं बेटा, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। ये आपको देखने से मालूम पड़ रहा है, देखिए ये वाला एंगल ज्यादा है और ये वाला एंगल कम है, इसका मतलब सर लाइन जितनी ज्यादा टिल्ट होगी, जितनी ज्यादा नीचे होगी, उसका स्लोप उतना कम होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, एक ये है और एक ये है, किसका स्लोप ज्यादा होगा सर, देखिए जितनी लाइन नीचे होगी उसका स्लोप उतना कम होगा। ये वाला एंगल ज्यादा होगा या ये वाला एंगल ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल ज्यादा होगा और ये वाला एंगल कम होगा। तो जितना स्टीपली ग्राफ होगा, जितना स्टीपली आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, उतना ज्यादा स्लोप होगा, जिसका स्लोप जितना ज्यादा उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू द स्पीड। क्या बोला मैंने, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो मिल रहा है वो हमको क्या देता है, स्पीड देता है। अगर ये स्लोप ज्यादा मिलेगा तो स्पीड क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, अगर ये स्लोप कम मिलेगा तो स्पीड कम मिलेगी। तो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू द स्पीड इफ स्लोप इज ग्रेटर देन कंपेरिजन विद अनदर ऑब्जेक्ट और अनदर कार, देन इट मीन्स स्पीड हैज ग्रेटर फॉर दैट ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो बताइए ए की स्पीड ज्यादा या बी की, तो सिंपली आपका आंसर क्या होगा सर, ए की स्पीड ज्यादा। रीजन सर, ए का स्लोप बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। इफ द स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, देन इट मींस द स्पीड ऑफ अ कार इज, कार ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार बी। यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा भी है, अ मोर स्टीपली इंक्लाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स मोर स्पीड। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या लिखा है, अ मोर स्टीपली इंक्लाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स मोर स्पीड। जितना वो स्टीपली इंक्लाइन ग्राफ होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट बोलिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या फिर जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी हम उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हों वो कलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे बेटा। समझ में आ रही बात, ओके आगे चलें। इन तीन ग्राफ में कोई डाउट बताइए, ओके। नेक्स्ट ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल
सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिंपली मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. आप जब घर से आते हैं स्कूल, बेसिकली अभी स्कूल की तो बहुत टाइम हो गया सर, स्कूल की तो बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं हम स्कूल को, है ना. फटाफट स्कूल खुल जाए, कोविड ख़त्म हो जाए, डेली स्कूल जाएँ, है ना, पढ़ाई करें, अच्छे से इंजॉय करें. बट क्या करें बेटा, अभी सिचुएशन ऐसी है तो इसी पर डिपेंडेंस, हमको अभी थोड़ा टाइम और रहना है. होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से जल्दी सिचुएशन और बेहतर हो जाए और स्कूल जल्द से जल्द खुल जाए बेटा आपके, ठीक है. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जनरली जब स्कूल जाते थे आप, पहले क्या होता था, क्या आपकी बस की स्पीड, एक्टिवा की स्पीड, कार की स्पीड, क्या थ्रू आउट द मोशन सेम रहती थी क्या? थ्रू आउट द मोशन मतलब घर से निकलते टाइम और स्कूल तक पहुंचते टाइम, क्या स्पीडोमीटर जो होता था क्या एक ही स्पीड शो करता था? तो आपका आंसर क्या होगा? नो सर, एक ही स्पीड शो नहीं करता था. जब रोड खाली होती थी तो हम स्पीड बढ़ा देते थे, जैसे कोई ट्रैफिक आया सामने तो हम स्पीड कम कर देते. तो इसका मतलब क्या हुआ सर? बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यू कैन से दैट बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दोनों केसेस पॉसिबल हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. दोनों ही केस किसके लिए हैं? बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक. तो मैंने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस कर लिया. इसका ग्राफ देखिए कैसा बन रहा है, क्या स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है क्या? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म क्यों हो रही थी? जितना टाइम कवर कर रहे थे उतने टाइम में उतनी डिस्टेंस भी कवर हो रही थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस कैसी है? अनइक्वल, बट टाइम इंटरवल इक्वल है. तो यहाँ पर देखिए वेरिएशन आ गया. क्या आ गया बेटा? 0 से 1 में सपोज करो 2 चला, बट 1 से 2 में 2 नहीं चला, 1 से 2 में 4.5 चल गया, 4.7 चल गया, या 5 चल गया. तो इस तरीके का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है आपको, एक इसको हम बेसिकली पैराबोला ग्राफ बोलते हैं. तो बट ये आपका भी काम का नहीं, सिर्फ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. देखिए यूनिफॉर्म नहीं है स्पीड, स्पीड इंक्रीज तो हो रही है बट यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए आपका जो ग्राफ जाएगा वो उसका जो स्लोप होगा वो बढ़ता हुआ जाएगा, स्लोप होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ जाएगा. अगर आपको आपकी स्पीड अगर कम हो रही है तो देखिए आपको इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है. यहाँ पे स्लोप कम होता जाएगा, यहाँ पे स्लोप बढ़ता हुआ जाएगा, और यहाँ पे स्लोप कम होता हो जाएगा. तो बेसिकली ध्यान रखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप दो तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, एक इंक्रीजिंग स्पीड का. ये ग्राफ किसके लिए शो कर रहे हैं बेटा हम? इंक्रीजिंग स्पीड. अभी स्पीड इंक्रीज तो हो रही है बट यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है. यहां पे स्पीड क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज. तो ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग स्पीड शो कर रहा है, अगेन नॉन यूनिफॉर्म के लिए. ये जो ग्राफ है यहां पे स्पीड इंक्रीज हो रहा है, अगेन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, सॉरी. ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बेटा ये बात? ओके. तो ये जितने भी ग्राफ्स हैं इसमें किसी को डाउट, अगेन रिवाइज कर देता हूं फटाफट. पहला ग्राफ किसका बेटा? सर ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर है. रेस्ट पर, इसका मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा तो सर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. किसके पैरेलल में? टाइम एक्सिस के पैरेलल में. अगेन सेकंड ग्राफ देखिए सर, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सर इस ग्राफ में हमको ये मालूम पड़ा कि जिसका एंगल ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी. इस ग्राफ में सर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, और यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है बट नॉन यूनिफॉर्मली, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है अगेन नॉन यूनिफॉर्मली. ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. किसकी बात करते हैं बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का. कैसा देख रहे हैं बेटा? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में. वॉट इज वेलोसिटी? वेन अ बॉडी कवर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी. अभी देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. वेलोसिटी कॉन्स्टेंट मतलब क्या बोल सकते हैं? इक्वल या फिर सेम. बट वेलोसिटी क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है आपका, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. बट यहां पे जो मैं वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं उससे पहले क्या लगा रहा हूं बेटा? कॉन्स्टेंट वर्ड लगा रहा हूं. इसका मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, जो भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा? इक्वल चेंज आ रहा है. If equal change in displacement in equal interval of time, then you can say that it is said to be uniform velocity or constant velocity. Constant velocity. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा velocity time graph की. किसकी बात कर रहे हैं? Velocity time graph. अब velocity time graph क्या देता है आपको? Acceleration का formula क्या होता है?
वी माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है एक्सेलरेशन फॉर्मूला। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा बेटा आपको? एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम से और हम वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी से। तो एक्स और वाई जो भी हमारे पास एक्सिस हैं, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एक्सेलरेशन। पहली बात तो ये समझ लेना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या फाइंड कर सकते हैं आप? एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या फाइंड कर सकते हैं आप? स्पीड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या फाइंड कर सकते हैं आप? वेलोसिटी। क्या फाइंड कर सकते हैं आप? वेलोसिटी, ठीक है। अब जो समझने वाली बात है, ये ग्राफ है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का, इट मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट चल रही है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्ट्रेट पाथ पर चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर से, कंटिन्यूसली आपकी स्पीड या वेलोसिटी कैसी चल रही है बेटा? सेम चल रही है, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है हमको। तो देखिए, टाइम एक्सिस के पैरेलल में मैंने बोला वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर क्या किया था, टाइम एक्सिस के पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो अगेन क्या करेंगे आप? सर, टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जब हमने टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करी, तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट कंसीडर किए, एक हमने ए बी सी डी। डी पर टाइम कितना माना बेटा? T1। और सी पर टाइम कितना माना? T2। अब हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो आपके आगे न्यूमेरिकल्स में या कंसेप्चुअल क्वेश्चन में काम आएंगे। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट भी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। दो चीज़ हो गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, क्या दो चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन, ये तो फिक्स है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा। लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या देगा बेटा आपको? डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा बेटा आपको? डिस्प्लेसमेंट भी देगा ये आपको। तो मैंने क्या बोला आपको अभी? एरिया अंडर द ग्राफ। अब आपको एरिया चेक करना है कि वो स्क्वायर का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है, ट्राइंगल का एरिया है, ट्रेपेजियम का एरिया है। तो आपको ग्राफ चेक करना है बेसिकली, उस ग्राफ की शेप क्या है। और आपको मालूम है स्क्वायर का एरिया ही पता होता है आपको, रेक्टेंगल का एरिया मालूम है आपको, ट्रेपेजियम का एरिया पता है आपको, ठीक है। तो आपके पास जो भी शेप है उसका एरिया का फॉर्मूला यूज करिए और उस फॉर्मूले के हिसाब से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए। तो देखिए, यहां पर हमको मैंने बोला जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट भी देता है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या लिखा मैंने? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखिए ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, मैंने यहां पर दो पॉइंट कंसिडर किए ए बी सी और डी। ये क्या बन गया बेटा? रेक्टेंगल। क्या बन गया? तो मैंने कुछ पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे मेरे को, अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि कितना डिस्प्लेस हुई बॉडी, तो उसके लिए मेरे को कुछ पॉइंट कंसीडर करने होंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लिए ए बी सी डी, ठीक है। अब T1 पे टाइम कितना है बेटा? 2 सेकेंड। T2 पे टाइम कितना है बेटा? 5 सेकेंड। ए पे वेलोसिटी कितनी है? 6। बी पर वेलोसिटी कितनी है? 6, ठीक है। तो मैंने बोला एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या बन रहा है बेटा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो डी ए, देखिए डी ए, डी ए की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? डी ए कितनी है? 0 से कहाँ तक गए बेटा आप? 6 तक। तो डी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6। तो यहाँ लिखा 6। हमारे पास सी डी की वैल्यू कितनी है? सी डी, इसकी वैल्यू कितनी है? तो देखिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो डी से सी की वैल्यू कितनी है? 3 सेकेंड। तो 6 × 3 कितना आ गया? 18 मीटर आ गया। कितना आ गया? आपने रेक्टेंगल का एरिया यूज किया और उससे क्या निकाल लिया? डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि सर, जो भी एरिया होगा उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में, हमें उसका एरिया का फॉर्मूला यूज करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अभी यहां पर रेक्टेंगल की जगह सपोज करो कोई ट्राइंगल बन रहा होता, या आपके पास ट्रेपेजियम बन रहा होता, स्क्वायर बन रहा होता, तो सिंपली आपको क्या करना है? क्या करना है बोलिए? आपको उसका एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या होगी उसकी एक्सेलरेशन? इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन?
द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एसेलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. और ये ग्राफ किसका प्लॉट किया बेटा हमने, ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी, आपका आंसर क्या होगा, नो सर देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. एंड इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जीरो. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज टाइम, इसके ड्यूरेशन में कितना टाइम लगा बेटा, 3 सेकंड, तो 0/3 कितना आ गया, 0. एसेलेरेशन फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 0, कोई चेंज आई नहीं सर वेलोसिटी में. टाइम कितना लगा ए से बी के लिए, सर 3 सेकंड, तो व्हाट विल बी द एसेलेरेशन इन ए टू बी, 0 एसेलेरेशन बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. एसेलेरेशन लाने के लिए वेलोसिटी में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए. इफ देयर इज नो चेंज देयर इज नो वेलोसिटी, इफ देयर इज अ चेंज देयर इज अ एसेलेरेशन. तो एसेलेरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. क्लियर हो रही है बेटा ये बात, ठीक, ओके. तो ये ग्राफ क्लियर हो गया. तो क्या इंपॉर्टेंट, इसका की पॉइंट क्या है दिमाग में याद रखना है आपको, कि सर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ एसेलेरेशन तो प्रोवाइड करता ही है बट डिस्प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है. डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको सिंपली एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, और वो डिपेंड करता है उसकी शेप पर. जैसे यहां पर रेक्टेंगल था, अगर कोई दूसरी शेप होगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन. अब अगेन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ वेलोसिटी टाइम का प्लॉट करना है. अब यहां पे मैंने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट किया था बट डिस्टेंस टाइम के लिए. अगर मेरे को वेलोसिटी टाइम के लिए ग्राफ प्लॉट करना होगा तो क्या करेंगे उसके लिए, अगेन सर स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है बट वो जो चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में वो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है बेटा. कैसा आ रहा है, इक्वल. देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी बट इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. अगर वेलोसिटी में चेंज इक्वल नहीं आता तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते थे, ठीक है. तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किसी का भी हो, डिस्टेंस टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, वेलोसिटी टाइम हो, सिंपली आंख बंद करके आपको क्या करना है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. समझ में आ रही बात. तो अगेन आपने क्या ड्रॉ किया बेटा, एक स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बता रही है बेटा, ठीक. चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं यहां पर. अच्छा यहां पर एसेलेरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैंने क्या बोला था आपको अभी, आप एसेलेरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ कैन यू फाइंड द एसेलेरेशन, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एसेलेरेशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. व्हाट इज डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी. व्हाट इज डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी. व्हाट इज डेल्टा टी, चेंज इन टाइम. अब जरा डेल्टा वी फाइंड करिए, ओ से ए की बात कर रहे हैं आप, ठीक. ओ से ए के लिए डेल्टा वी में क्या चेंज आया सर, पहले वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 10. तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं, तो 10-0 अपॉन चेंज इन टाइम. ओ से ए तक जाने में से कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, तो 5-0 विच इज इक्वल टू 2 m/s². व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसेलेरेशन, m/s², क्लियर. तो मैंने जैसे कहा था आपसे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एसेलेरेशन भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर करके. अगर आप यहां पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करते तो इन दोनों पॉइंट्स की बात करते, लेकिन आपने बात करी है ओरिजिन से, ठीक है. ओरिजिन मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसलिए यहां पे टाइम कितना था, 0, इसलिए यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0. लेकिन अगर आप यहां से स्टार्ट करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, टाइम 0 नहीं होता, इसकी वैल्यू अलग आती. समझ में आ रही बात, ओके. तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया. अब यहां पर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करता तो बेसिकली यहां पे आगे बेटा ये दो ग्राफ आगे डिस्कस करेंगे इसमें, ओके. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज तो हो रही है बट यूनिफॉर्मली हो रही है. फॉर एग्जांपल आपने ब्रेक्स तो अप्लाई किए, आपकी बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट 40 to 30, 30 to 20, 20 to 10, तो जो डिफरेंस आ रहा है 10 का, ये कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 10 m/s से आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंटली डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे हम ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करेंगे. तो ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने का मतलब यूनिफॉर्म. पहली बात तो दिमाग में ये चीज सेट कर लीजिए कि स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म, बट यहां पे सर ये डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, यहां पे ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहां पर
डिक्रीजिंग, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज यूनिफॉर्मली, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी तो है बट सर वो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कब होगा ऐसा केस, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, बट इस इंपॉर्टेंट चीज यूनिफॉर्मली, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी यूनिफॉर्मली केस में, बट डिक्रीज हो रही है इसलिए इस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा देखिए वेलोसिटी क्या होती जाएगी, देखिए टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है बट सर इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है। ओके नेक्स्ट ग्राफ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ग्राफ प्लॉट किया है हमने इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, इंक्रीजिंग मतलब को आप और क्या हो सकते हैं पॉजिटिव, अगर आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो उसको आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, इंक्रीज हो रही है तो प्लस में आएगी वैल्यू, इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, क्या इस ग्राफ को मैं यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूं, सर यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कब होती है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस ग्राफ को हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बट वेलोसिटी में चेंज इक्वल तो नहीं है बट वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, आप घर से निकले खाली रोड मिला, आपने वेलोसिटी क्या करना स्टार्ट कर दिया, बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 10 से 20, 20 से 35, 35 से 48, बट वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल नहीं है बट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में बट यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है, इक्वल नहीं हो रही है, ये ग्राफ किसके लिए, देखिए यहाँ पे स्लोप क्या होता जा रहा है, एंगल क्या होता जाएगा, एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इंक्रीजिंग स्लोप, क्या वर्ड यूज किया है बेटा इंक्रीजिंग स्लोप, और यहाँ पे क्या होता जाएगा जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो स्लोप कम होता जाएगा आपका, और उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब अब वेलोसिटी सर इंक्रीज नहीं हो रही, अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है बेटा डिक्रीज होती जा रही है, ठीक। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं, रिटार्डेशन कह सकते हैं, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन इज सेट टू बी रिटार्डेशन, और यू कैन से दैट डी एक्सेलरेशन, क्या कह सकते हैं डी एक्सेलरेशन, क्या इंपॉर्टेंट टर्म बताया मैंने बेटा आपको, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं और डी एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन का जो आंसर आता है मैग्नीट्यूड आता है वो किसमें आएगा नेगेटिव में, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसमें आएगा पॉजिटिव में, इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक्सेलरेशन हमको जो भी मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो पॉजिटिव में मिलेगा, यहां पर एक्सेलरेशन हमको उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई, ये कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है अगर वो बढ़ता हुआ आ रहा है तो सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। तो लास्ट टू ग्राफ्स और देख लेते हैं, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ग्राफ यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लास, ओके ओके। यहां पे दो ग्राफ हैं, कोई बता सकता है कि ये दो ग्राफ किसके यहां करिए, ये इसको मत रीड करिए अभी, आप अभी सिर्फ ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई करिए, स्पीड टाइम ग्राफ है, दोनों कैसे ग्राफ है बेटा, स्पीड और ये टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ है ये दोनों, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या कौन सी कंडीशन पॉसिबल है अगर ये ग्राफ प्लॉट करना हो आपको, तो बताइए देखिए सर ग्राफ चेक करिए, पहले स्पीड क्या हो रही है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, फिर स्पीड क्या हो रही है यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, यहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, इस पॉइंट के बाद इस टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो कंडीशन देखो बता देता हूं मैं क्या होती है, व्हेन अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया, बॉल को आपने किसी हाइट से ड्रॉप किया, तो क्या होगा बेटा जैसे जैसे बॉल को आप किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, देखिए यूनिफॉर्मली क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, अब क्या हुआ वो क्या होगा बेटा बाउंस करेगा, स्ट्राइक करेगा किससे ग्राउंड से, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो ऊपर की तरफ आएगा, पहले बॉडी कैसे जा रही थी बेटा नीचे की तरफ, तो मैंने बोला जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता जा रहा है उसकी स्पीड क्या होती जा रही है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जा रही है, फिर वो किससे स्ट्राइक हुआ ग्राउंड से स्ट्राइक हुआ, किससे स्ट्राइक हुआ ग्राउंड से स्ट्राइक हुआ, इस पॉइंट के बाद क्या होगा वापस ऑब्जेक्ट
जो बॉल है वो वापस ऊपर की तरफ जाएगी। जब बॉल वापस ऊपर की तरफ जाएगी तो एक हाइट पे जाके बॉल क्या होगी वापस, एक हाइट पे जाके बॉल वापस क्या होगी बेटा, स्टॉप हो जाएगी। तो जब बॉल स्टॉप हो रही है किसी हाइट पे जाके, तो उसका मतलब सर उसकी जो वेलोसिटी है वो, जो उसकी स्पीड है वो क्या होती जा रही है सर, डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे बॉल ग्राउंड से हिट होने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है तो सर उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर, उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या हो गई सर, जीरो हो गई। क्या हो गई, स्पीड जीरो हो गई। देखो क्या लिखा, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। जब किसी बॉल को आप किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, पहले उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। जब वो ग्राउंड से हिट करती है वापस बाउंस बैक होती है, फिर उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, और जब वो वापस अपनी मैक्सिमम हाइट पे आती है तब उसका जो, तब उसकी जो स्पीड होती है वो जीरो हो जाती है। इस केस में क्या हो रहा है, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अभी यहाँ पे मैंने बॉल को ड्रॉप किया था, अब मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले केस, इस वाले केस में क्या हुआ बेटा, बॉल को मैंने ड्रॉप किया एक सर्टेन हाइट से, बट इस केस में क्या देख रहा हूँ, मैं बॉल को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये बॉल को मैंने ऐसे फेंका ऊपर की तरफ, ठीक। तो यहाँ पर हम बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। अब एक होता है, जब आप बॉल को थ्रो करेंगे तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता जाएगा उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, जस्ट इमेजिन उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। आप देखते हैं बॉल कुछ ऊपर जाने के बाद, कुछ हाइट गेन करने के बाद रुक जाती है और उस हाइट से वापस बॉल नीचे आती है। तो उसका मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी सर, डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, उसकी स्पीड डिक्रीज। तो देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता गया हाइट गेन करता गया, अपनी ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया, अपनी जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे आ गया तो उसकी स्पीड क्या हो गई बेटा, जीरो हो गई। फिर मैक्सिमम हाइट से आने के बाद क्या होगा सर, नीचे आएगा, और जब अपनी मैक्सिमम हाइट से आने के बाद जब वो नीचे आएगा तो अगेन अपनी स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऊपर जाते टाइम स्पीड डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आते टाइम स्पीड क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो ये ग्राफ किसके लिए, व्हेन द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस ग्राफ इज अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो अगर आपको ये ग्राफ के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्लास नाइन्थ के एग्जाम में फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आप उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। स्टिल इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन ऑनलाइन क्लासेस। ओके बेटा, तो इन ग्राफ्स को प्लॉट करिए, ग्राफ अपनी कॉपीज में बनाइए, ठीक है, नोटबुक में प्रॉपर नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो पूरा एक कंप्लीट मोशन पे बेस्ड होगा विदाउट ग्राफ। ग्राफ मैंने इसका एक वीडियो अलग से इसलिए बनाया क्योंकि उसको मैं मिक्स करना नहीं चाहता था। अब हम सीधा फॉर्मुलेज, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे, ठीक है बेटा। और कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली देखने वाले हैं ग्राफ पर बेस्ड, बट पहले ग्राफ के क्वेश्चन करने से पहले हमको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए थे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, प्रॉपर पढ़ते रहिए बेटा।